उसके बाद आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कोई ऑयली फूड ले रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, कहीं ठेले वेले में खा रहे हो, ये चीज़ नहीं करना है। हे गाइस, दिस इज शुभम बारले एंड वेलकम टू जिमनेक्सी। तो गाइस, हमने ये न्यू सीरीज स्टार्ट किया है बिगनर्स टू प्रोफेशनल का, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है, ठीक है। अब ये सेकंड वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप फर्स्ट डे वर्कआउट रूटीन कैसे करें। जैसे अगर आप फर्स्ट डे जिम जा रहे हैं या फर्स्ट डे वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, अब आपको फर्स्ट डे स्टार्ट करना है, बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल रेडी हैं करने के लिए, लेकिन अब क्या करें, अगर ये डाउट है तो बिल्कुल आज आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे भी कर पाओ, आपके बॉडी में पेन वेन ना रहे और आप इसको लॉन्ग टर्म वर्कआउट को ले जा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप कर लिए फिर दूसरे दिन एकदम ही बॉडी पेन कर रहा है कि आप उठ ही नहीं पा रहे। तो हम ये सारी चीज़ प्लान करके आपको बता रहे हैं, और प्लस इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, कि आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, जिम जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और गैस, अब हम जिम में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका माइंडसेट सबसे पहले ये रहना चाहिए कि आप किसी को ना देखेंगे, ठीक है। किसी को भी मत देखो आप, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस आपको एक जगह फाइंड आउट करना है जहाँ पे थोड़ा एरिया खाली होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छा वार्म अप, ठीक है, वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, क्योंकि जिम में लोग यहीं भूल जाते हैं। वो जोश जोश में आते हैं, दूसरे को देख रहे हैं, और फिर उन लोग अपना डायरेक्टली आएंगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाएंगे, फिर उसका बाइसेप्स करना, चेस्ट करना, शोल्डर करना, ये सारी चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, और फिर सिर्फ स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं और पूरा मसल्स उनका टाइट हो जाता है और वो फिर कोई एक्टिविटी कर नहीं पाते, बॉडी पेन रहता है, इंजुरीज होते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है, फर्स्ट डे आप बिल्कुल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करोगे। और ये फर्स्ट डे की बात नहीं है, ये हर दिन आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप ज़रूर करना है, ठीक है। तो आपको हम बिगनर टू प्रोफेशनल कैसे लेके जाएंगे हम प्लान कर चुके, तो आज ये फर्स्ट डे है आपको फॉलो करने का। तो सबसे पहले आपको अपने जिम में या जहाँ पे भी एक खाली एरिया ले लेना है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा मूवमेंट कर पाएँ, क्योंकि मूवमेंट करेंगे तो आपका बॉडी गर्म होगा और आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होगा और एक्टिव होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा वॉकिंग करते हुए करेंगे अभी, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में वॉकिंग करो, तो हल्का सा आर्म अप एंड जो ताड़ासन बोलते हैं और अपवर्ड स्ट्रेच बोलते हैं, ऐसा हल्का हल्का स्ट्रेच करो आप, ठीक है। 15-20 सेकंड कंटिन्यू करते रहो, ऐसे वॉक करते रहो स्ट्रेच, जिससे आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच होगा, आपको खुद फील होगा कि आपके पूरे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं और खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेच कर लोगे, फिर डाउन, फिर अपने को थोड़ा सा आर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मूवमेंट कर लेना है, फॉरवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट करेंगे, फिर अपन हल्का सा लेग्स ओपन ही रखना, नी स्ट्रेट जितना आप जा सकते हो ऐसे फॉरवर्ड स्ट्रेच करोगे, मैं ऐसे पूरा जा सकता हूँ तो ऐसे स्ट्रेच, हल्का हल्का पंप्स करेंगे, नी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। 10 टाइम्स करो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। फिर लेग ज्वाइन करके सेम 10 टाइम्स पंपिंग, ठीक है, 10 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद नीज बेंडिंग, डाउन अप डाउन अप डाउन, ओके, ये 5 टाइम्स कर लो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइजेस ज़्यादा पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको पॉज कर करके भी फॉलो कर सकते हैं, हमने 10 रेपिटेशंस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन करेंगे थोड़ा एंकर रोटेशन, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम लोग जॉगिंग करने वाले हैं, ठीक है। एंकर रोटेशन कर लो 10 टाइम्स, फिर रिवर्स, ठीक है। मैं 3-5 रेपिटेशन ही ले रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइजेस समझ आ जाए, देन रिवर्स उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा सा माइंड और बॉडी मसल्स स्ट्रेच कर लिए हैं, एंकर रोटेशन ये सारी चीज़ कर लिए, ताकि अब हम जॉगिंग स्टार्ट कर पाएँ। जॉगिंग करने से आपका मसल्स बॉडी बिल्कुल वार्म हो जाएगा, ठीक है, वार्म हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी पूरी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे एंड देन अपने वर्कआउट में जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं जॉगिंग करने वाला हूँ, आपके जिम में क्या पता बहुत बड़ा स्पेस ना हो, ठीक, तो आप स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडमिल भी कर सकते हैं और या साइकिलिंग, ये सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं जॉगिंग करता हूँ थोड़ा सा स्टार्ट। तो आपको ये जॉगिंग ऐसे हल्का हल्का, स्पीड नहीं करना है, स्लो जॉगिंग, ठीक है। स्लो जॉगिंग आप करोगे ऐसे लाइट,
ठीक है, मैं छोटे एरिया में कर रहा हूँ आपका जिम या आपके एरिया के हिसाब से इमेजिन करते हुए, तो आपको 3 to 5 minutes जॉगिंग करना है, ठीक है, ओनली 3 to 5 minutes। अब मैं जॉगिंग वेरिएशन बता देता हूँ, अभी आप नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हो, फिर आपको क्या करना है, साइड जॉगिंग, अभी ट्रेडमिल में तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन अगर आप फ्री जॉगिंग कर रहे हो तो बेस्ट है ये, अदर साइड, और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ट्रेडमिल में ना करें, आप नॉर्मल फ्लोर में जॉगिंग करें, ये मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। फिर आगे हाई नीज, देखो हाई नीज कर सकते हो, बैक किक्स, फॉरवर्ड किक्स, साइड, नॉर्मल जॉगिंग, ओके, रिलैक्स। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं 3 minutes कर सकते हो आप, अगर आपको कम लगता है तो 5 minutes भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हर किसी के लिए, गर्ल्स बॉयज बिगनर्स हो, बिल्कुल हो सकता है आपसे, तो ये चीज़ करना है। अब मेरा बॉडी वार्म हो गया, अब हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है, सबको करना है, और यही आपका वर्कआउट स्टार्टिंग में होने वाला है, ठीक है, इसी से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके मसल्स फ्री होंगे, ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप पहले, इससे पहले जो वीडियो है वो देख लेंगे तो आपको डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि आपका एम क्या होना चाहिए जिम में, ठीक है, तो फिर आपको ये सेकंड वीडियो कनेक्टेड लगेगा बिल्कुल। चलो, तो अभी बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, फिर कमर में हाथ, नेक साइड टू साइड, 1 2 3 4 5 6, आप 10 to 8 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे अप एंड डाउन आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लो, देन रोटेशन मैं 3-3 बार कर रहा हूँ, 1 2 3, आप खोल के बिल्कुल नेक रोटेशन, अदर साइड, 1 2 3, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर नेक रोटेशन के बाद थोड़ा आर्म स्विंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर अपन बोथ आर्म्स करेंगे, अभी हम लोग सिंगल आर्म्स किए, अब बोथ आर्म्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा स्ट्रेच हुआ, अब अपन आर्म्स रोटेशन करने वाले, फिर से 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल शोल्डर अच्छे से घुमाना है, रिवर्स उल्टा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे को अपन यहाँ पे हाथ रख लेंगे, ठीक है, ऐसे अपने फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर, फिर पूरा एल्बो से रोटेट, 1 2 3 4, ठीक है, रिवर्स, 1 2 3 4, ओके, डन। अब शोल्डर स्ट्रेच करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 आर्म ऊपर, फिर आपको क्या करना है, ये वाले हाथ से ऐसे पुल करना है, देख सकते हैं, एल्बो से पुल करना है अपने साइड, और शोल्डर स्ट्रेच करना है, साइड सेम, ठीक है, ऐसे आप 4 times करें, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, फिर आपको ये हाथ ऊपर रख लेना है शोल्डर के ऊपर, एंड देन इसको पुल करते हुए, ये देखो ऐसे ये पुल करना है, ठीक है, ऐसे साइड, इससे आपका पूरा कमर स्ट्रेच होगा, फिर अदर साइड हाथ यहाँ पे टच कर लो, इससे पुल करो, देन स्ट्रेच, ठीक है। तो मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, 1-2 बार ही कर रहा हूँ, आपको अच्छे से करना है, ठीक, फिर हाथ साइड रख लो, साइड वर्ड, अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड, ओके गुड, एंड देन वेस्ट रोटेशन, 2, कमर एकदम सीधा बिल्कुल रोटेट होगा, राइट टू लेफ्ट, लेग आपका स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, फिर रिवर्स उल्टा, ओके डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेग्स ओपन कर लेंगे, ठीक है, लेग्स अपार्ट, नी स्ट्रेट, फॉरवर्ड डाउन, टच करने की कोशिश, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 times कर लो, फिर राइट साइड 10 times, 1 2 3 4 5, फिर अदर साइड, 1 2
3, 4, 5, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे सामने, स्ट्रेट आर्म, देन आर्म स्विंग, 1, 2, 3, 4, 5, अदर साइड, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ऑल्टरनेट टोटस। तो देखो इसमें क्या करना है, आर्म्स एकदम स्ट्रेट कर लो, अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर चला जाएगा और आपके हाथ को देखना है, ठीक है। फिर अदर साइड ऑल्टरनेट टोटस, फिर कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, साइड इन अप, अगेन साइड इन अप, साइड इन अप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको लेग ज्वाइन कर लेने हैं, लेग ज्वाइन स्ट्रेट, ठीक। अब आपको लेग को पकड़ना है और जितना आप जा सकते हैं उतना जाओगे और होल्ड करोगे 10 सेकंड, 1, 2, 3, 4, मैं तो पूरा जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप जितना जा सकते हो वहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है, ये हो जाएगा। फिर यहीं पे फिर से नी बैंडिंग एक बार, 2, ठीक है। आप ये 5 to 8 times कर सकते हो, ओके। देन लेग पुलिंग, आप इस पर सपोर्ट ले सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली करोगे तो इधर उधर डिसबैलेंस होगा, तो ऐसे सपोर्ट ले लो, लेग पुल, ठीक है, ऐसे हटाओ धीरे से, फिर अदर साइड अदर लेग पे सपोर्ट लेके कर सकते हो ये, देन बैक स्ट्रेच, अदर साइड, ओके, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट थोड़ी सी जंपिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अभी आप ये फील कर सकते हो और फील किए भी होगे कि आपका पूरा हेड टू टो हमने स्ट्रेचिंग किया है, जो कि बहुत सारे जिम में जो भी आ रहे हैं उनको इतनी एक्सरसाइजेस भी नहीं पता होती और ये सब वो करते ही नहीं। तो अपन थोड़े जंप्स करेंगे, ठीक, ओके, खड़े खड़े जंप्स, ऐसे स्पॉट जॉगिंग, ओके। नेक्स्ट जंपिंग जैक्स 10 times करो, मैं 5 times कर रहा हूँ, ओके। नॉर्मल जंप्स, एक एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर थोड़ा ये रिलैक्स पोजिशन है हमारा, ठीक है, ये रिलैक्स है। अब देन फॉरवर्ड जंपिंग जैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 10 times करो, फिर साइड किक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फॉरवर्ड किक्स, ओके, हाई नीज, बैक किक्स, ट्विस्टिंग, अभी थोड़ा थोड़ा हाई जंप्स का ट्राई करना आप थोड़ा सा, ठीक है, देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ओके, रिलैक्स। तो आप देखो ये कितना प्रोफेशनल टाइप का स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप रूटीन है। तो अगर आप ये करते हो खुद ही, आप खुद फील करो यार सच में मैंने अभी बहुत कुछ अच्छा कर लिया, हमने बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया है, वर्कआउट किया है, ठीक है। इसी से आपका ब्रीदिंग जो कार्डियो है ये हो जाएगा, स्ट्रेचिंग रूटीन अच्छे से हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ भी आपको लगेगा, ठीक है। तो यही तो है, आप प्रोफेशनल वे में अपना वर्कआउट परफॉर्म करो और आप ऐसे ही प्रोफेशनल बनते जाओगे, ठीक है। तो आपका भी स्ट्रेचिंग रूटीन हुआ है, अब आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो जिसमें आप थोड़ा सा पानी पियो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हो, थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है, बैठ जाओ। अब हम नेक्स्ट रूटीन करेंगे, ठीक है। तो अभी रेस्ट लेने के बाद अब नेक्स्ट रूटीन स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोर वर्कआउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोर पे लोग वैसे ही ध्यान नहीं देते। एप्स तो देखो आपका फैट लूज़ होंगे तो एप्स तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोर में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जब प्रोफेशनल बनोगे आपका वेट लिफ्टिंग ज़्यादा स्टार्ट होगा, ठीक है। जब वेट लिफ्टिंग करोगे, जैसे कि अब मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, शोल्डर प्रेस उठा रहा हूँ, ठीक है, बारबेल पे, तो अब इस पर क्या है, मैं आर्म्स का स्ट्रेंथ तो लग ही रहा है लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे अब मेरा लोअर बॉडी अपर बॉडी कौन कनेक्ट कर रहा है, मेरा कोर, ठीक है, कोर पोर्शन। तो अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा
तब क्या होगा आपका, आप जितना भी वेट ले रहे हो आपके कमर पे ज़्यादा लोड होगा, ये आगे पीछे होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और जिमनास्टिक्स कैलिस्थेनिक वाले कोर वर्कआउट डेली करते हैं, तो मैं अभी आपको वही बताऊंगा क्योंकि हम प्रोफेशनल जिमनास्ट और कैलिस्थेनिक वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कोर वर्कआउट। तो फर्स्ट डे है जिसमें कि हम प्लैंक करेंगे। मैं आपको प्लैंक का पोजीशन अच्छे से बताऊंगा, आपको ये करना खुद ही है। आप इसको 1 मिनट कर सकते हैं, इसके 3 सेट्स कर सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। तो देखो प्लैंक पोजीशन क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ऑन एल्बो, ठीक है, नी स्ट्रेट, हिप ऐसे नहीं करना है ना, एकदम गिराना नहीं है, बिल्कुल लाइन, ठीक है, और चेस्ट को ऐसे पुश करना है, ठीक। तो देख सकते हो आप मेरा पोजीशन कैसा है। अब यहीं पे आपको टाइमर स्टार्ट कर लो 1 मिनट का, तो बिल्कुल ऐसे होल्ड करना है, धीरे से आपका कमर एकदम डाउन होना होगा, लेकिन इसको आपको टाइट करना है ऐसे, ठीक है। 1 मिनट होल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट ले यहीं पे 1 मिनट के बाद। अब उसके बाद क्या होगा, आप टाइट प्लैंक करेंगे, ठीक है। सेम आपका एल्बो टू लेग एक लाइन पे रहेगा, हिप टाइट, देखो टाइट प्लैंक, ये एकदम लाइन, ये पीछे नहीं करना है ना, ऐसा पीछे नहीं करना है, ये डाउन नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड होल्ड, ठीक है। 1 मिनट कर लोगे, फिर 30 सेकंड का रेस्ट, फिर यही सेम अदर साइड करना है आपको, ठीक, अदर साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैक प्लैंक। बैक प्लैंक में अपन क्या करेंगे, ऐसे एल्बो पे आ जाएंगे, ठीक है, और स्ट्रेट लेग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे बिगनर हैं उनसे होगा नहीं, तो पहले मैं स्ट्रेट लेग दिखा देता हूँ, हिप ऐसे अप करके होल्ड, ठीक है, ये चीज़ स्ट्रेट लाइन, 1 मिनट होल्ड, 30 सेकंड रेस्ट। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करोगे, पैर बेंड कर लेना और ऐसे पुश करके होल्ड, ठीक, ये चीज़ थोड़ा सा लेग दूर रख सकते हो, तो ऐसे आप होल्ड कर लोगे, ठीक। तो ये आपको 1 मिनट 30 सेकंड करना है, मीन्स 1 मिनट एक्सरसाइज 30 सेकंड रेस्ट, और इसके आप 2 से 3 सेट्स करो, ठीक है। आपने वार्म अप किया है एंड कोर वर्कआउट किया अभी 2 से 3 सेट, अब फिर थोड़ा रिलैक्स लेना है आपको इसके बाद। तो आफ्टर कोर वर्कआउट और आफ्टर रिलैक्स 2 से 3 मिनट उसके बाद रिलैक्स होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डंबल्स ले लेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से वेट चूज़ कर लेना, लाइट वेट ही रखना, ज़्यादा हैवी मत रखना, आप इसको 1 से 2 केजी के बीच में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो तो 1 से 2 केजी के बीच में। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, और ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये आपका पूरा अपर बॉडी कवर कर देगा, ठीक है, अपर बॉडी। तो आपको अभी बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका पूरा मसल्स एक्टिव होगा फर्स्ट डे, ठीक है। और लाइट भी एक्सरसाइज है लेकिन मसल्स पूरा टारगेट होगा। तो अपने को क्या करना है, खड़े हो जाना है स्ट्रेट। अब साइड लैटरल रेजेस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 काउंटिंग तक करना है, इसके आप 10 रेपिटेशन करो। अभी मैंने 1 रेपिटेशन किया है, ठीक है, 4 काउंटिंग 1 रेपिटेशन, फिर देखो 5 6 7 8, ये 2 रेपिटेशन हुआ, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये 1 रेपिटेशन था। तो अभी मैंने 8 काउंटिंग तक किया, ऐसा आपको 40 काउंटिंग तक करना है, तो आपका 10 रेपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आपको 2 सेट करना है, अभी मैंने 10 रेप, अभी ये सोचो कि 10 रेपिटेशन किया है और 1 सेट कंप्लीट हो गया, फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है, डंबल्स रख दो, रिलैक्स कर लो, फिर आपको 2nd सेट फिर स्टार्ट करना है। तो 10 रेपिटेशन 2 सेट्स लैटरल रेजेस के, फिर ये होने के बाद अब हम करेंगे फॉरवर्ड रेजेस, ठीक है, इसमें हम 1 2 3 4, ठीक है, हर काउंटिंग में 2 से 3 सेकंड का आपको ब्रेक देना है, ठीक है, ब्रेक मतलब देखो 1 2 सेकंड होल्ड, 2 2 सेकंड होल्ड, 3 2 सेकंड होल्ड एंड डाउन, इसमें 2 सेकंड होल्ड। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका एल्बो आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी पोस्चर एकदम लाइन में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पाइक बन रहा है, जैसे हो जा रहा है या आर्म्स ऐसे बैंड हो जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये चीज़, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइजेस ऐड करने हैं आपको, ठीक, लाइट डंबल के साथ। अब जब ये 2 एक्सरसाइज अभी देख के लग रहा होगा कि लाइट है, लेकिन जब आप करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कितना हैवी एक्सरसाइज है, ठीक है। बस आपको यही रूटीन फॉलो करना है, फिर से मैं रिमाइंडर दे देता हूँ आपको। वार्म अप किए हम पूरा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, देन हम किए कोर वर्कआउट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेली करना, ठीक है। हम आपको अलग अलग टाइप का कोर वर्कआउट बताते रहेंगे, अभी तो फर्स्ट डे के लिए है,
सेकेंड डे में आप कोर वर्कआउट चेंज कर सकते हो, हमारा फिटनेस सीरीज है वहाँ से आप अपना रूटीन ले सकते हो। हम वहाँ पे फॉलो अलॉन्ग वीडियोज डाल रहे हैं जिसमें कि हम खुद वर्कआउट करते हैं, आपको बस वीडियो ऑन करना है और सेम फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन शायद वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हो ज़रूर, ठीक है। तो ये कोर वर्कआउट के बाद हमने किया अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, डंबल्स के साथ पूरा अपर बॉडी जिसमें। तो आज के लिए फर्स्ट डे के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप करोगे बॉडी पेन होगा और कल आपको आने में दिक्कत होगा जिम में, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप इतना रूटीन करो, इसमें भी थोड़ा बहुत पेन होगा, होना तो है क्योंकि आपने जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। तो अभी आपको पेन होगा, अब आप घर जाएंगे, अच्छे से फ्रेश होंगे, नहाएंगे, गर्म पानी से नहा लो, ठीक है, ठंड का मौसम है अभी तो गर्म पानी से हल्का सा नहा लो। फिर उसके बाद आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कोई ऑयली फूड ले रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, कहीं ठेले वेले में खा रहे हो, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से, आप नॉन वेज हो तो एग्स ले लो, ठीक है, चिकन ले लो, ऐसे कर सकते हो प्रोटीन वाली डाइट। वेज हो तो चने ले लो, ठीक है, पनीर ले सकते हो, ये सारी चीज़। या आप घर का नॉर्मल जो नाश्ता करते हैं, ठीक है, पोहा हो सकते हैं, उपमा हो सकते हैं, दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आप अपने डेली जो रूटीन है, नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल, वो आप फॉलो करो, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपको ऐसे ही करना है वर्कआउट, और जिसमें आप खुद ही फील करोगे कि आज मैंने कितना प्रोफेशनली वर्कआउट किया है, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, फर्स्ट डे रूटीन कैसा लगा, बिल्कुल ट्राई करो और हमें बताओ कमेंट करके। और अगर आपको ऐसे वीडियो और आगे तक चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करो, और हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स आता है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छे से वीडियोज़ बना चाहेंगे। लेकिन आप लाइक करो मत करो, हमारा काम है आपको बहुत अच्छे से गाइड करना, तो वो तो हम करेंगे, लेकिन आप लाइक करते हो तो बिल्कुल मोटिवेशन आता है और हमारा वीडियो भी और अच्छा रीच होगा, बहुत से बिगनर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है और हमारी ज़िम्मेदारी आपको अच्छा सिखाना है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस। Thank you.